फ्रॉम एनसीईआरटी सर्कल्स इंट्रोडक्शन। कुछ यहाँ पे फैक्ट्स दिए हैं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 10.1। सो चलते हैं सर्कल्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, सपोज ये एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल हुआ, रेडियस तो आप ऑलरेडी सब जानते हैं, एंड बात करते हैं टेंजेंट। तो टेंजेंट बहुत सारे आपके माइंड में क्वेश्चन उठते हैं, किसी में वन पॉइंट दे देता है, किसी में इन्फिनाइट, कैसे? तो देखते हैं टेंजेंट। एक टेंजेंट हम ये, टेंजेंट मीन्स होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ सर्कल, यानी टेंजेंट मतलब होता है स्पर्श करना, टच करना। मान लीजिए सर्कल को आप टच किए, है ना, क्लियर। मान लीजिए कोई भी कार एक सर्कुलर मोशन पे ट्रेवल कर रही है, साइंस के अकॉर्डिंग समझा दे रहे हैं, मान लीजिए ये सर्कुलर मोशन पे ट्रेवल कर रही है, तो सर्कुलर मोशन पे अगर उसकी स्पीड इंक्रीज कर दिया जाए तो श्योर है कि इस डायरेक्शन पे राउंड होने की वजह वो ऐसे कार निकल जाएगी, निकल जाएगी, इसे हम वेक्टर बोलते हैं। फिर ऐसे यहाँ से, सपोज यहाँ से इंक्रीज किया गया तो ऐसे निकल जाएगी, फिर ऐसे, ये आपका राउंड अप कुछ इसी तरह होता है, ठीक है। तो ये सभी क्या कहलाएं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जो जिस जगह से हट रहे हैं। तो इसी तरह ये सर्कल है, अगर हम इसे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट करें तो ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहलाएगा, क्लियर। अब गौर से अगर हम देखें एक जूम करके कि एक सर्कल को अगर हम टेंजेंट से टच करें, बारीक से टच करें, तो सिर्फ ये एक ही पॉइंट में कॉन्टेक्ट कर रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट या फिर वन पॉइंट बोलेंगे। क्योंकि अब आपके माइंड में ये होगा, सर क्या टेंजेंट हम एक ही जगह कर सकते हैं? नहीं, आप और कर सकते हैं, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप इससे और ज़्यादा यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पे भी कर सकते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या डिस्कस किया गया कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कितने पॉइंट को टच करेगी या कितने पॉइंट्स को, तो सिर्फ हर जगह आपको वन ही पॉइंट टच करेगी। आपके माइंड में होगा कि इनफिनाइट हो जाता है कहीं पे, ऐसा क्यों? तो देखते हैं कैसे। जैसे फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन आ सर्कल हैव। देखिए सर्कल में हमने कितने टेंजेंट्स कर दिए, बहुत सारे टेंजेंट कर दिए, और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आपको एक डायग्राम पे दिया भी होगा, जब आप देखते हैं कि यहाँ पे ये डायग्राम आप देख सकते हैं बुक में, ये अवेलेबल है। ये देखिए हम यहाँ टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये सीकेंट लाइन चला गया। लेकिन इस पॉइंट्स पे यहाँ पे दिया हुआ है टेंजेंट टू ए सर्कल, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द लाइन इट ए ओनली वन पॉइंट्स, केवल एक ही पॉइंट्स पे ये टच करेगी। अब यहाँ पॉसिबल दिया हुआ है, सो यहाँ पे दिया हुआ है देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ सर्कल, मतलब हम कितने भी टेंजेंट्स कर लें वो एक ही पॉइंट पे कॉन्टेक्ट करेगी, क्लियर। अब दूसरी बात है कि ये तो हुआ टेंजेंट, अगर हम उसी सर्कल पे एक लाइन टेंजेंट की बजाय यहाँ से इंटरसेक्ट कर दें, तो इंटरसेक्ट में ये दो पॉइंट्स को टच कर रही, इंटरसेक्ट कर रही है, और ये लाइन आपका क्या कहलाए, सीकेंट, क्या कहलाए, ये पूरी लाइन आपकी सीकेंट कहलाएगी, क्लियर। और जो तो यहाँ पॉइंट हैं, ये टू पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, कॉमन पॉइंट, टू कॉमन पॉइंट्स, पॉइंट्स ऑफ सीकेंट, ये हो गया आपका क्लियर। देन आफ्टर आपका नेक्स्ट डायग्राम है 10.4, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जिस जगह पे ये इंटरसेक्ट हुआ वन पॉइंट पे उसे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एंड टेंजेंट इज सेड टू टच, टच इज द पॉइंट ऑफ सर्कल, ठीक है। अब इससे हमें क्या इंडिकेट हुआ कि जिस जगह पे ये पॉइंट ऑफ पॉइंट कॉन्टेक्ट होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, वो थ्योरम 10.1 पे दिया हुआ है, द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर। देखिए द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फ्रॉम अ सेंटर ऑफ सर्कल टू द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, ये आपका दिया हुआ है, क्लियर। अब चलिए एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट नंबर है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल है। तो हमने यहाँ पे पहले फर्स्ट में ही दिखाया कि हम कितने भी टचेस पॉइंट कर सकते हैं टेंजेंट पे। सो एक सर्कल है, उस पर हम ये, जैसे ये पॉइंट हुआ वन पॉइंट, अनदर पॉइंट,
अनदर, यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप वहीं से ही करें। ये पॉइंट हो रहा है, इंटरसेक्ट यहाँ नहीं होना चाहिए। और हम पॉइंट्स मतलब ऐसे ही हम इनफिनाइट लाइन ड्रा कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ से ये टचेस पॉइंट हुए, है ना। सो इनफिनाइट हुआ ये, तो यहाँ पे हम शो कर देंगे इनफिनाइट, इनफिनाइट टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। ये आपका आंसर हुआ। नाउ सेकेंड नंबर, फिलिंग द ब्लैंक्स। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट, क्योंकि भाई इंटरसेक्ट कहाँ पे करता है, ओनली वन पॉइंट पे। देखिए टेंजेंट ऑफ सर्कल एक ही पॉइंट पे कर रहा है, तो इसे आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी लिख सकते हैं या वन पॉइंट पे कर सकते हैं, है ना। इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ए लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सिकेंट, क्योंकि दो पॉइंट से अगर वो गुजर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिकेंट लाइन, सिकेंट, ठीक है। आप अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो ये है, ये जो लाइन मान लीजिए पी क्यू है, तो पी क्यू आपका सिकेंट हुआ। नाउ थर्ड नंबर, अ सर्कल कैन है फिलिंग द ब्लैंक्स पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। तो यहाँ पे कितने पैरेलल्स हो सकते हैं, टू। कैसे, देखिए यहाँ पे हम बता दे रहे हैं टेंजेंट, है ना। मान लीजिए एक ये सर्कल है, अगर हम एक यहाँ पे टचेड पॉइंट कर लेते हैं और इसके फ्रंट पे ही टचेड कर लेते हैं, तो ये दोनों सर्कल आपके, ये तो रेडियस हो गए, तो ये आपके पैरेलल हुए दोनों, तो कितने पैरेलल्स बनेंगे, दो, क्योंकि इस साइड से आपके ये बने। नेक्स्ट में आप देखेंगे अगर आप फ्रंट पे करना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए, ये भी आपका देखिए आपके दो पैरेलल्स हुए, तो दो ही पैरेलल्स यहाँ पे शो हो सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये डायग्राम में दिया हुआ है, ये देखिए डायग्राम, सबसे बेस्ट एग्जांपल, ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये दोनों पैरेलल्स हुए, यहाँ पे दिया भी हुआ है। देयर आर द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल टू द गिवन सेगमेंट पी क्यू, दिस आल्सो हेल्प यू सी दैट देयर कैन नॉट बी मोर देन टू टेंजेंट्स पैरेलल्स टू अ गिवन सेगमेंट। क्लियर, तो यहाँ पे हमारे कितने पैरेलल्स आ गए, टू पैरेलल्स। क्लियर, अब आते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड वन पॉइंट, था टेंजेंट वन पॉइंट, और पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। नाउ थर्ड नंबर, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। चलिए ठीक है, एक सर्कल यहाँ पे बना लेते हैं, ये सर्कल हुआ, श्योर है पॉइंट तो होगा ही। अब पी, ये लिखा है एट अ पॉइंट पी ऑन अ सर्कल, जहाँ पे टच हो रहा है, तो टच को हम चाहे इस साइड कर लें चाहे इस साइड कर लें, भाई ये टचेस पॉइंट हो गया आउटसाइड, ये हो गया आपका पी, इसे हम ले लेते हैं ओ, ठीक है। आप है सर्कल, आप रेडियस, तो रेडियस तो ये हो गया जो टच हुआ वो आपका 5 सेंटीमीटर। मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू, तो पी और क्यू तो पहले से दिए हुए हैं, तो श्योर है कि ये क्यू होगा और इससे ये टच है, ये टच हो गया, सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब ओ क्यू जो है वो आपका 12 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ पी क्यू, तो पी से क्यू तक का लेंथ हमें फाइंड करना है। चलिए इसे एक्स ले लेते हैं, ओके। सो सॉल्व करने से पहले आप थ्योरम 10.1 को देख लीजिए, द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये आपका दिया है, ये परपेंडिकुलर होता है। अभी हम गौर से अगर इसी डायग्राम को देखें तो देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो ये आपका 90 डिग्री होगा। क्लियर, सो सॉल्व गिवेन, फर्स्ट हम गिवेन कर लेते हैं, इन अ सर्कल सी ओ आर, ये आइडेंटिटी है सर्कल की, हमें क्या क्या दिया, टेंजेंट पी क्यू इज टेंजेंट इज टेंजेंट, ठीक है, एट अ पॉइंट ऑफ रेडियस
रेडियस OP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हमें फाइंड करना है, एंड OQ डिस्टेंस है, OQ का OQ दिया है 12 सेंटीमीटर। सो हमें फाइंड करना है OP इज इक्वल टू QP, PQ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व में सबसे पहले हम लिखेंगे द टेंजेंट एट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, किसी भी पॉइंट पे टच करे सर्कल इज परपेंडिकुलर। टू द रेडियस, क्योंकि वो तो श्योर है कि रेडियस ही होगा, टू द रेडियस। इसका मीन्स हुआ जी, अब ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 मतलब पाइथागोरस। अगर हमारे पास दो साइड्स हैं तो पाइथागोरस ही लगना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू। अब ये 90 है तो 90 के फ्रंट पे ही हाइपोटेनस होता है। क्या होता है? हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस के फ्रंट पे परपेंडी, और ये आपका बेस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस क्या हो गया? ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, राइट। तो ओ क्यू आपका 12 है, 12 स्क्वायर, ओ पी 5 स्क्वायर प्लस पी क्यू एक्स है, एक्स स्क्वायर। तो 12 144 25 ट्रांसफर कर देंगे -25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो 4 -5 9, 3 -2 1 और 1, सो एक्स स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे तो √119। सो लेंथ ऑफ पी क्यू इक्वल टू √119 सेंटीमीटर। ये आपका ऑप्शन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट, देखिए टू पैरेलल लाइंस हमें ड्रा करना है, इस प्रकार करना है कि वन लाइन इज टेंजेंट एंड अदर जो दूसरा लाइन हो वो एक सीकेंट लाइन होना चाहिए सर्कल पे, ठीक है। तो चलिए एक सर्कल यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। ये आपका सर्कल ड्रा हुआ, ठीक है। एक टेंजेंट लाइन होना चाहिए, तो हम यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर देते हैं। ये टेंजेंट लाइन हो गया, इसे हम दे देते हैं आर एंड एस, ओके। और दूसरी लाइन हमें सीकेंट करनी है, तो कहीं पे भी आप कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए, ये आपका सीकेंट लाइन हुआ। इसे नाम दे देते हैं पी और क्यू, ओके। तो ये देखिए दोनों पैरलर्स हुए। अगर हम टेंजेंट और लेते हैं, क्योंकि दो ही पैरलर्स होते हैं, अगर सीकेंट आप करेंगे तो ज़्यादा होंगे, लेकिन अगर आप पैरलर अगर टेंजेंट में आप देखेंगे तो ओनली टू पैरलर्स होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ सीकेंट की बात है, सीकेंट तो और हम यहाँ ड्रा कर सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमें दो ही करने थे। तो ये आपका आंसर हुआ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी क्यू पैरलर आर एस, और ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।